नमस्कार, मैं न्यूट्रिशिस्ट निमिषा गौर। आप सभी कैसे हैं? आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। बारिश लेकर आती है अपने साथ में नमी, और नमी से प्रॉब्लम होती है डाइजेशन की। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ आपको नहीं खाने चाहिए और कौन से खाद्य पदार्थ आपको खाने चाहिए ताकि आपके डाइजेशन पे उसका बुरा असर ना हो। वैज्ञानिकों ने और आयुर्वेदा ने ये सिद्ध कर रखा है, ये बता रखा है कि सावन माह में कौन से खाद्य पदार्थों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और कौन से खाद्य पदार्थ ले लेने चाहिए। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आपको कौन से खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। सबसे पहले हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां वैसे तो बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, बहुत ही पौष्टिक भी होती है, बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उसमें। पर अभी जो बारिश हो रही है उसमें आप हरी पत्तेदार सब्जियों को बिल्कुल अवॉइड करें। कारण मैं बता देती हूँ, ये जो नमी का वातावरण हो रहा है, क्योंकि बारिश मतलब नमी, नमी के वातावरण से एक तो सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं, दूसरी ये जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उस कारण क्या होता है, छोटे छोटे कीट पतंगे, जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं, वो आपकी हरी सब्जियों पर चिपक जाते हैं, जो कि आपको सामने से नहीं दिखते हैं एकदम से। उसके बाद में आप कितनी भी बार उसे वॉश कर लो, 3 से 4 बार वॉश करने के बावजूद भी वो कीट पतंगे नहीं मरते हैं। जब आप सब्जी खाएंगे तो आपके वो पेट में जाके स्टमक का एलर्जी शुरू कर सकते हैं, डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम दे सकते हैं, इनको आप अवॉइड कर दें। फिर दूसरे नंबर पे आता है दही। दही, हाँ, दही को इस समय जब बारिश का टाइम जब चल रहा है तो गुड बैक्टीरिया के साथ साथ में बैड बैक्टीरिया भी पनपने लग जाते हैं, तो दही को आप अवॉइड करें थोड़े दिन के लिए। अगर कुछ लोग होते हैं जिन्हें दही बहुत पसंद आता है वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, बाहर का दही नहीं लाएं, एक तो पहली बात। दूसरी बात, अगर आप घर में भी जमा रहे हैं तो 2-3 दिन पुराना या 2 दिन पुराना आप दही नहीं खाएं, बिल्कुल फ्रेश जमा हुआ दही ही यूज करें, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम बात कर लेते हैं, आप दूध को थोड़ा अवॉइड करें। दूध का धार्मिक कारण भी है और वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण पे हम बात कर लेते हैं। दूध में क्या होता है, दूध क्या गाय का या भैंस का आप यूज करेंगे, तो गाय और भैंस इस समय जो चारा खा रही है उस चारे में कीट पतंगे चिपके रहते हैं, वही चारा वो खाती है, और वो अगर आप दूध पीते हैं तो वो बैक्टीरिया पनपने का खतरा ज्यादा रहता है, डायरेक्ट बैक्टीरिया आपके पेट में जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको भी अवॉइड करें। फिर है नॉनवेज। नॉनवेज वैसे तो लोग ये पवित्र माह जो है उसमें अवॉइड करते हैं, पर कुछ लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो ये माह में नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नमी का वातावरण रहता है, थोड़ा थोड़ा दबाव वाला मौसम रहता है, उस कारण डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम ज्यादा होने का खतरा रहता है, तो कुछ टाइम के लिए नॉनवेज अवॉइड कर दें। तो ये तो थी, हमने बात करी ऐसे खाद्य पदार्थ जो आपको थोड़े अवॉइड कर देना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि तो खाना क्या चाहिए। हाँ जी, खाना ये चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा ऐसी सब्जियां आप खाएं जिसमें बहुत ज्यादा फाइबर हो। बहुत ग्रीन सब्जियां मिलती हैं, लौकी है, टिंडा है, तुरई है, भिंडी भी आप खा सकते हैं। भिंडी में ये जो थोड़ा सा लसलसापन जो होता है वो आपके पाचन तंत्र को सुधारता है, तो ग्रीन सब्जियां अभी बहुत ज्यादा आती है, आप करेला भी खा सकते हैं। आप ये सब जो सब्जियां हैं उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अभी नमी के कारण डाइजेशन खराब रहता है, तो आप जरूर से ये जो ज्यादा से ज्यादा फाइबर लेने की कोशिश करें। जो मौसमी सब्जियां आ रही हैं ये आप इनका अगर आप यूज करेंगे तो आपको डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस 1 या 1.5 महीना ही आपको अवॉइड करना है। ध्यान रखें थोड़ा, सावन माह आप बहुत अच्छे से एंजॉय करें। आप सभी को बहुत बहुत सावन माह की अगेन में शुभकामनाएं बोलती हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।